समरावता गांव, जहां से पहले एक थप्पड़ की फोटो आई, फिर गाड़ियों के जलने की फोटो आई, और उसके बाद एक लड़की थी जो एक नेता से लिपट कर रो रही थी और ये गुजारिश कर रही थी कि हमें बचा लो, हमारा पूरा गांव समस्या में है। उस नेता का नाम था विजय भैंसला, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या वो घटना थी और क्या ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि एक लड़की को लिपट कर रोना पड़ा और इस तरह से रोना पड़ा कि इंटरनेट पर एक चर्चा सी छिड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लड़की को इस तरह से रोना पड़ रहा है। देखो, समरावता गांव की जो का जो इंसिडेंट है वो तो सबको पता ही है। तो जब मैं वहां गया तो लोग डर में भी थे और डर के साथ साथ उनको ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो इस ऐसी स्थिति में जब परेशान लोग मिलते हैं और जब कोई अपना पहुंचता है तो हो जाता है ऐसे। और उसने देखा और मिल करके पकड़ लिया और अपनी आप बीती सुनाने लगी डर के मारे। कह रही थी कि उनको डर इतना था कि कह रही थी कि हमें बचा लो, हमारे साथ कुछ हो जाएगा। उसका भाई जो था, वो भाई मेरे ख्याल से पकड़ा गया, जेल में चला गया, कोई भी कारण रहा, तो कह रही थी कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको पीट रहे हैं, उसको जो भी लोग चर्चाएं चलती हैं, तो डर था। वो वक्त कैसा था? क्योंकि मैंने वो पूरा वीडियो देखा, पूरे गांव वाले जो लोग थे, हर एक व्यक्ति की अपनी समस्याएं थी और समस्याओं के साथ साथ वो रोते हुए वो जाहिर कर रहे थे। किस तरह से डील किया, किस तरह से बातचीत की आपने? देखिए, कभी कभी तो क्या होता ना कि जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं तो निशब्द हो जाते हैं, हमारे पास कुछ कहने को नहीं होता, क्योंकि हम उस समय अपाहिज सा महसूस करते, क्योंकि वो जो काम हो गया होता है उसको हम कैसे समेटें, पीड़ा को कैसे समेटा जाए, प्रश्न तो ये है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को चोटें लगी उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था, तो मैंने बुलाया और पूरी मेडिकल टीम बुलाई, लोगों के जो टाँके लगवाए, चोटें लगी थी, बच्चों के पैर जल गए थे, छोटे छोटे बच्चों के, तो जो भी रहा तो वो ठीक किया। उसके बाद एक एक घर में जा कर के एक एक जगह देखी जहाँ पर ये इंसिडेंट्स हुए, कहीं पर खून पड़ा था, कहीं पर कुछ पड़ा था, तो स्थिति तो गंभीर थी। लेकिन क्या है ना कि जब आप परिवार के सदस्य होते हो तो फिर आपको सदस्य की तरह ही काम करना पड़ता है। चोट अगर गहरी हो तो मरहम भी धीरे लगाया जाता है, उसको और नासूर ना बन जाए। हमने कोशिश करी, प्रयास किया अपना और लोगों की सुनी, समझाइश करी, लेकिन क्या है कि डर बहुत था। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है और मेरे ख्याल से जो मैंने कल देखा था न्यूज़ में कि कुछ लोग, कोई प्रतिनिधि मंडल भी आ गया है और उनकी बातचीत भी हो गई, तो भगवान करे जो मांग रहे हैं वो हो जाए और गांव वापस से अपने नॉर्मल स्टेटस पे आ जाए। नॉर्मल से आना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आई जस्ट प्रे कि सब ठीक हो जाए और नॉर्मल लाइफ जी। परिवार के सदस्य के रूप में आप वहाँ पर गए, लोगों ने उस तरह से ट्रीट भी किया, सब लोगों ने देखा, लेकिन सबसे बड़ी वजह लोग जो बाहर के हैं, समरावता गांव के बाहर के लोग हैं, वो अभी तक भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, सबसे बड़ा सवाल यही था। मेरे ख्याल से ये तो इन्वेस्टिगेशन में रहेगा, इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो सामने ही आएगा कि क्यों हुआ। इस पर कोई टिप्पणी करना या मेरे को अपना ऑब्जर्वेशन देना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से डिविजनल कमिश्नर लेवल पे कोई इंक्वायरी होने वाली है और जैसे ही वो इंक्वायरी होगी होपफुली सबका सब सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा किसने क्या किया। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। गलती चाहे किसी की भी रही, लेकिन गलत गांव वालों के साथ हुआ। जिस जो दोषी था उसके साथ तो हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ ये हो जाना, या 70 साल की किसी महिला को ऊपर लठ बरसाना या बरस जाए तो वो ठीक नहीं है। आप विश्वास करेंगे, लोगों ने ये बताया मुझे कि जिन सरकारी कर्मचारियों को सुबह से लेकर के शाम तक रोटियों के साथ प्याज दे रहे थे, खाना दे रहे थे, 10-10 बार चाय बना करके पिला रहे थे, उन्होंने ही उनको सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात भी है कि ऐसा क्यों हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इस घटना के साथ एक जिक्र ये भी चलता है, कई लोग जिक्र करते हैं कि एक वो दौर था जब कर्नल किरोड़ी भैंसला जी के एक
कहने पर सिस्टम के साथ साथ जनता भी उनका कहना मानती थी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जनता इतनी बदल चुकी है? क्या वो अब अपीलिंग पावर किसी नेता में नहीं रही है जिसकी वजह से ये सब हुआ? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, समझाइए वापस। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग वही हैं जिनको पहले कर्नल साहब लीड किया करते थे, लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई, या फिर ऐसी क्या किसी लीडर में ऐसी कोई अपीलिंग पावर नहीं बची है जिसकी वजह से इतने हालात बिगड़े कि एक पूरा गांव जल गया, दो तीन दिन तक तो कोई संभालने वाला नहीं गया? लेकिन क्या है कि अब संभालने वाले क्यों नहीं गए उसके बारे में मैं कह, वो तो जो नहीं गए वही बता पाएंगे। रही बात जो प्रश्न आपने किया उसमें ऐसा है कि ये इंसिडेंट स्पोरैटिक हुआ, इमीडिएटली हो गया, ठीक है, ये कोई पेंट अप नहीं था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये होगा। जहाँ तक वो स्लैपिंग वाला जो इशू था वो हो गया, खत्म हो गई बात। मेरे को तो ऐसा लगा था कि हो गया, खत्म हो गया, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो हो जाएगी और खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एकदम से रात में ये डेवलपमेंट हुई तो ये आँख खुलने वाली बात हो गई। और मेरे को तो अफसोस इस बात का होता है कि मैं दो दिन बाद क्यों पहुंचे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि कोई ना कोई तो पहुंचेगा। इलेक्शन टाइम चल रहा है, सब लोग वहां पर इलेक्शन टाइम में सब जितने भी कंटेस्टेंट्स थे वो तो पूरे इलाके में घूम ही रहे थे ना। तो जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वोटिंग खत्म होते से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, रिश्ते तो बने रहेंगे ना, वोट मांगने के रिश्ते, वोट देने के रिश्ते, चाचा ताऊ बनाने के रिश्ते, भाई बेटा बनाने का रिश्ता जो था वो तो चलता रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जैसे ही वोटिंग खत्म हुई ऐसा लगा कि रिश्ते खत्म हो गए। लोगों का दर्द भी यही है कि उस दिन तक, उस दिन से पहले भी लगातार, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हो, और जो सांसद बने हुए हैं, निर्वाचित जो सांसद हैं, वो पहले तो खूब घूमते रहे लेकिन अब तक भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये प्रश्न तो उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं पहुंचे। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जब कोई नहीं पहुंचा, हाँ किरोड़ी जी जरूर पहुंचे थे, उनका मैं सम्मान करता हूँ, वो पहुंचे, उन्होंने सुध ली, जैसी भी ली, जो भी ली, सुध ली, और उसके बाद जब फिर भी कोई मलहम लगाने नहीं पहुंचा तो मुझे तो पहुंचना ही था। मैं तो घर का सदस्य, बड़ा तो नहीं, छोटा ही सही, लेकिन घर का सदस्य होने के नाते दर्द में, खुशी में जब मैं आपके साथ शामिल होता हूँ तो आपके दर्द में भी शामिल होना उतना ही जरूरी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और एक इंसान होने की वजह से इंसानियत की भी जिम्मेदारी है कि पहुंचना चाहिए। हाँ, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको पहुंचना चाहिए था। अगर हम किसी चीज को एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही लेके चलें तो भाई साहब दुकान की बात हो गई है, दिल काम गया। जिस SDM के थप्पड़ पड़ा अमित चौधरी, उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें अब बाहर आ रही है कि उसका जो रवैया था, उसकी जो कार्यशैली थी वो सही नहीं रही है बीते जो भी कार्यकाल रहा है। क्या वाकई में थप्पड़ पड़ना सही था, क्या मानते हैं बतौर नेता? क्योंकि कई नेता जो हैं वो इस चीज़ का समर्थन कर चुके हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। सही था गलत था ये तो टाइम विल टेल, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट। ये प्रशासनिक उन्होंने जबरदस्ती वोट डलवा के सही किया। हाँ, एक वो जरूर, एक मैंने वो महिला का वीडियो देखा था, वो भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि वो सही है कि गलत है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है जो मेरे जहन में रहती है और मैं वो बात जरूर कहूंगा कि एक और बूथ था 25 नंबर का बिजलपुर का, उसमें 0 वोट पड़े, तो इसी बूथ में ऐसी क्या बात थी कि इसमें वोट डालना जरूरी हो गया? उसमें भी तो डलवा सकते थे, वहां पर तो किसी ने प्रयास नहीं करा। अच्छा, एक और बूथ था जहां पर 0 पोलिंग हुई है। हाँ, उसमें 2023 के इलेक्शन में 201 बूथ एक वोट पड़े थे। हाँ। और इस बार उसमें 0 पड़े, तो यहाँ वहां पर वोटिंग कराना जरूरी नहीं था? एक प्रश्न तो दिमाग में गूंजता है। पूरे इलाके में आप घूमकर आए, आपका अपना एक ऑब्जर्वेशन है, और जिस तरह से हमने आपको लोगों से डील करते हुए देखा कि जो उस वक्त उन लोगों के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी मेडिकल सुविधा, वो आपने उनको उपलब्ध कराई, अब क्या समरावता गांव के लोगों के लिए किया जाना चाहिए बतौर उनके जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के सदस्य के रूप में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डर और दहशत खत्म होनी चाहिए। डर खत्म होगा, दहशत खत्म होगी तो बात कुछ कर पाएंगे। और फिर जो इनका जो नुकसान हुआ है, अब कैसे उसको उसकी भरपाई की जाए, ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही एक निवेदन ही कर सकता हूँ कि कुछ तो करें, और कैसे कर सकते हैं ये भी देखिए। जिनकी गाड़ियाँ जल गई, जिनके घर जल गए,
सोचना पड़ेगा। जो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं जिनके पास गिनती के 12 बर्तन हैं और उनकी छत ही टूट गई, तो आप क्या सोचोगे। एस्बेस्टॉस की परतें लगा रखी थी, उसके ऊपर पहला कूदी तो छत एस्बेस्टॉस की छत टूट गई, वो एस्बेस्टॉस की छत खुद खुला करके 3,000 रुपये की आएगी। जो 12,000 रुपये कमाता है सालाना को 3,000 छत के दे देगा, तो ये 7,000 रुपये कहाँ खर्च करेगा। विचारनीय बात है, 7,000 की 9,000 रुपये खर्च कैसे चले, ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं से वी शुड डू समथिंग अबाउट देम, वी हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेटल देयर लाइव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वी दे शुड हैव द बिलीफ दैट द सिस्टम इज विद देम एंड द सिस्टम विल हेल्प देम टू रीबिल्ड देयर लाइव्स। ये बहुत जरूरी है। जिसके पास फॉर्चुनर है वो तो फॉर्चुनर में बैठ के निकल गया, लेकिन जिसकी इकलौती मोटरसाइकिल थी वो तो राख हो गई, वो कहां से जाएगा। इस पे भी मंथन करना जरूरी है हमको। अच्छा, ये जो गांव है ये किसके जमाने में देवली में चला गया, क्योंकि लंबे टाइम आप भी जनप्रतिनिधि हैं वहां के, तो कब ये गड़बड़ हुई और फिर अचानक से कैसे ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ था। मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, और इनकी मांग बहुत दिनों से थी और मांग भी जायज थी, और मेरे ख्याल से हो गया है तो अब तो कॉन्वर्सेशन ही खत्म हो गया। नहीं, क्या इतनी मुश्किल मांग थी कि जिसके लिए इतना बवाल जरूरी था? इतनी मुश्किल मांग नहीं है। जो चीज 48 घंटे में हो गई वो पहले भी इतने महीने में हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। जो इन्वेस्टिगेशन होगा ना उसमें ये भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कि क्यों नहीं हुई थी, होना तो चाहिए ना। यू नीड टू फिक्स अप, यू नीड टू सेट द बेंचमार्क्स करेक्टली। आखिरी सवाल, लोगों की मांग ये थी कि न्यायिक जांच हो, लेकिन सरकार संभागीय आयुक्त से जांच करवाने के फेवर में है, कौन सी जांच ज्यादा फेवरेबल है समरावता गांव के लिए? देखिए, मेरी भी निजी राय यही थी कि जांच तो न्यायिक ही होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें स्थानीय जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि हम लोग संतुष्ट हैं संभागीय आयुक्त की जांच से। तो अगर वो लोग संतुष्ट हैं तो फिर मैं भी संतुष्ट हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली ही उसकी जांच कराओगे तो एडमिनिस्ट्रेटर तो क्या करेगा, तो कलेक्टर तो डिविजनल कमिश्नर को ही रिपोर्ट करते हैं। वो एक गांव वाले ने मुझे एक फोन करके जरूर कहा था कि साहब बिल्लिया से दूध की रखवाली कैसे कराओ। मैंने कहा भाई साहब तो आप ही ने कहा है, तो आप अगर आप लोग उसमें खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल, ये है विजय भैंसला जी जो समरावता गांव के लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए उन लोगों में सबसे पहले पहुंचे जो उनके जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, और न सिर्फ करते हैं बल्कि चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुने भी गए, लेकिन विजय भैंसला उन लोगों में सबसे आगे रहे, लोगों की मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई और अभी भी उन तमाम मददों के लिए तैयार खड़े हैं समरावता गाँव के लिए। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।